ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी वाइफ यानी कि किसी की भी वाइफ किसी को, किसी हस्बैंड को या उसकी फैमिली को दहेज का केस करने और मारपीट करने के केस से डराती है, तो ऐसी सिचुएशंस में हस्बैंड और उसकी फैमिली को क्या करना चाहिए। तो आपने देखा होगा काफ़ी जो कन्विक्शन रेट है वो बढ़ गया है। पहले क्या होता था, रियल में डोमेस्टिक वायलेंस होती थी वाइफ के साथ, अब भी होती है, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, बट कभी कभी क्या होता है कुछ लेडीज़ इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाती है। कोई बात होगी तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धमकी देंगे, सुसाइड की धमकी देंगी, आपने भी देखा होगा काफ़ी बार। शादी को 7 साल हो गए हैं, 7 साल बाद दहेज का केस उन पे डालने की धमकी देते हैं कि मैं आपको दहेज की केस में फंसा सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ब्ला ब्ला। अब आप खुद सोच सकते हैं कि 7 साल बाद, शादी के 7 साल बाद कौन दहेज मांगेगा। सो इट इज़ ए रिलेवेंट थिंग। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए, यानी कि हस्बैंड को क्या करना चाहिए, उसकी फैमिली को क्या करना चाहिए इन फकिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट एंड ब्रेक डाउन दिस कन्फ्यूजन। सो लेट्स स्टार्ट इट। इंट्रो। Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. All right, so the first thing first is 100 number. जब कभी भी आपको आपकी वाइफ आत्महत्या करने की कंप्लेन करे या फिर आपको डराए, धमकाए, कुछ भी कराए, तो आपको बिल्कुल एक सिंपल वर्क करना है, 100 नंबर पर कॉल करना है विदाउट एनी हेजिटेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि उनसे क्या होगा और ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको बताते हैं, जैसे ही आप इस नंबर पर कॉल करते हो तो क्या होता है, एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। कल को आप PCR डिपार्टमेंट से इस चीज़ की RTI निकलवा सकते हो कि हमने इस चीज़ की कंप्लेन की थी। वो बात अलग है, कार्रवाई हो ना हो, ब्ला ब्ला ब्ला, वो बात अलग है। आपको क्या करना है, आपको बस एक कॉल करना है, जिससे कि कॉल करके यही बोलना है कि मेरी वाइफ मुझे धमकी दे रही है, ऐसा ऐसा बोल रही है, और ये सब उनको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो है आपके पास ये। एंड द सेकंड थिंग इज़, आप रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लगा सकते हो उस थाने में, जिस थाने में आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी हो या करने वाली हो। रिप्रेजेंटेशन एप्लीकेशन में ये है कि जब से आपकी बहू आई है और उसका आचरण कैसा है और आपका आचरण कैसा है, उस चीज़ को आप लिखित में दे सकते हो। हालांकि आप इस चीज़ के लिए कुछ विटनेसेस भी इकट्ठे कर सकते हो, यानी कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग होंगे तो उनका भी सहारा ले सकते हो, कि उनको भी आप लेके जा सकते हो कि उनसे पूछ लो कि हमारा जो नेचर है वो कैसा है। वॉट इट। एंड द सेकेंड थिंग इज़, आप अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC के तहत हाई कोर्ट में क्वेस्ट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, यानी कि आपके खिलाफ FIR हो गई है। वॉट इट, FIR हो गई है, कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट में जाके या किसी वकील के थ्रू आप 482 की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपको प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। जब आप गिल्टी नहीं है तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ होगा, तो ऐसे में आप इस चीज़ के लिए जा सकते हो। तो ऐसे में क्या, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट निचले जो कोर्ट है उसको ऑर्डर दे देगा FIR कैंसिल करने की। तो ऐसे में क्या होगा, आपके ऊपर केस नहीं होगा। सो द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट थिंग इज दैट, कि आप उस पर उल्टा केस कर सकते हो, यानी कि आप उस पर क्रॉस केस कर सकते हो झूठी शिकायत देने का, क्योंकि जो शिकायत है वो झूठी है, तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर झूठी शिकायत देने का केस कर सकते हो। सो दीज वर द पॉइंट्स, आई होप यू विल फॉलो दीज इफ योर कंडीशंस आर सेम लाइक दैट वाइफ। सो आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज, मीनवाइल यू डोंट फॉरगेट टू स्टे स्टाइलिश एंड स्टे अवेयर। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Yes.